यहाँ पे हमारे थगस में न्यूट्रीशन मोहल्ले का एक केस मस्जिद आया है, उस वजह से हमने पूरा उसको मोहल्ले को जो 25 घरों पर मुश्तमिल है सील किया हुआ है। उनके साथ सफर किए हुए दो और लड़के थे, उनके घरों को भी क्वारंटाइन में रखा है, उनको वहां भी सिक्योरिटी सिस्टम करके लोगों से मिलने जुलने से रोका हुआ है। बाकी इनको मास्क वगैरह हम अभी दे रहे हैं, और इसके अलावा डॉक्टर साहिबान आए हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब, DHO साहब, खुद कमांडर साहब भी हमारे 323 ब्रिगेड के, वो भी तशरीफ फरमा है, पूरा इलाके का वो विजिट कर रहे हैं इस वक्त, और इंशाल्लाह बेहतर होगा। अभी सैंपल वो लेंगे, 19 ऐसे बंदे घर के अफराद जो उनके वालिदैन, उनके बहन भाई जो उस बच्चे के साथ जो बीमार साबित हुआ है उसके साथ जो क्लोज रहे हैं उनका सैंपलिंग कल हो जाएगी, और इंशाल्लाह खुदा बेहतर करेगा। सर ये बता दें कि जो अभी ये मोहल्ला जो है ना सील हो चुका है, तो उनको जो राशन वगैरह और उनको अगर वहाँ पे जो बीमारी आते हैं वहाँ पे खुदा न खास कोई बीमार होते हैं तो उनको मेडिकली क्या फैसिलिटेट किया गया? इसके बारे में अभी जो हाल ही में मेरे दफ्तर में मीटिंग हो गई है उसमें ये फैसला हुआ। फिलहाल ये मोहल्ला 25 घरों का जो मोहल्ला है इसको कॉर्डन किया हुआ है, वहाँ पुलिस नफरी 3-4 गलियां हैं उनमें तायनात है, न उनको उस मोहल्ले में जाने दे रहे हैं, न मोहल्ले वालों को बाहर छोड़ रहे हैं। बाकी उनके लिए दीगर फैसिलिटीज है या जो भी करना है, इंशाल्लाह अभी हम मेहमानों के फारिग होने के बाद हम कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह बेहतर होगा।